राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर चाहने वालों की भीड़ के बीच गहलोत ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस बीच गहलोत ने कहा वो प्रदेश में चहुं और विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। अशोक गहलोत अपनी बहन से राखी बंधवाने जोधपुर आए हैं। प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा रामदेवरा मेले के दौरान जिले में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर उड़न दस्तों की तैनाती की गई है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रामनारायण बड़गुजर ने बताया रामदेवरा मेले में भारत के कोने कोने से दर्शनार्थियों का विभिन्न प्रकार के वाहनों से आवागमन रहता है। वाहनों की अधिक संख्या में भीड़ के कारण दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती है। इसे देखते हुए जिले में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर उड़न दस्तों की तैनाती की गई है। विभाग ने परिवहन निरीक्षक उप निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे मेला समाप्ति तक मोटरयान अधिनियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें और परिवहन नियमों की पालना सुनिश्चित करें। रक्षाबंधन भाई और बहन के अटूट बंधन का पर्व है। इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर इस बंधन को मजबूती देती है। इस दिन बहनों का प्रयास रहता है कि किसी भी तरह अपने भाइयों के पास पहुंचकर उनकी कलाइयों पर राखी बांध सके, चाहे वे किसी जेल में भी बंद क्यों न हो। रक्षाबंधन के दिन जोधपुर सेंट्रल जेल पर कुछ ऐसा ही दृश्य नजर आया जब बहनें जेल में कैद अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची। जेल प्रशासन ने बहनों की भावनाओं को देखते हुए उन्हें अपने कैदी भाइयों को राखी बांधने की इजाज़त दी। अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर जहां बहनों ने अपने भाइयों के जल्द रिहा होने की कामना की, वहीं भाइयों ने अपनी बहनों की रक्षा का वचन दिया। हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनों को अपने भाइयों तक पहुंचने के लिए राजस्थान रोडवेज ने निशुल्क यात्रा की सुविधा दी। बड़ी संख्या में बहनें पावटा स्थित रोडवेज बस स्टेशन पर पहुंची, जिन्हें वहां पर यात्रा करने के लिए राजस्थान रोडवेज द्वारा मुफ्त टिकट दिया गया। बिना टिकट खरीदे यात्रा करने का तोहफा मिला। सभी बहनों ने इस सुविधा के लिए राजस्थान रोडवेज का आभार प्रकट किया। रक्षाबंधन के मौके पर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने जोदाना आश्रम में रह रहे बुजुर्गों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस समारोह में आयोजित सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की टीम द्वारा महामंदिर स्थित जोदाना वृद्ध आश्रम में किया गया। सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की सचिव चंद्र किरण दवे ने बताया कि इस कार्यक्रम में अपने परिवारों से अलग रह रहे बुजुर्गों को राखी बांधी गई। कार्यक्रम में बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। अतिथियों ने भी इस अवसर पर सत्यमेव जयते परिवार के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ मिलकर बुजुर्गों को अपने हाथ से भी भोजन करवाया। आरंभ में वृद्ध आश्रम के संचालक रतन सिंह गहलोत, सोसाइटी अध्यक्ष विमल गट्टानी, एडवाइजरी बोर्ड निदेशक प्रवीण मेट और सदस्य संगीता शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। सत्यमेव जयते ग्रुप का भी, जिसकी बहुत ही गौरवमयी गाथा रही है, गौरवमयी इतिहास रहा है, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए हैं, बहुत अच्छा योगदान दिया समाज को। मैं ये भी चाहूँगा कि सत्यमेव जयते ग्रुप परिवार से मैं जुड़ूँ। इसके लिए मैं यहाँ के चेयरपर्सन से निवेदन करूँगा कि मुझे भी इस ग्रुप का सदस्य बनाए। धन्यवाद। भारी बारिश से शहर के कई इलाकों को पानी में डूबा देख शहरवासी अब सीवरेज के पानी से परेशान है। शहर के कई भीतरी इलाकों में सड़कों पर बहता सीवरेज का पानी एक तरफ आवागमन में बाधा पैदा कर रहा है तो दूसरी तरफ लोगों के लिए बीमारियों का सबब भी बन रहा है। गौरतलब है भारी बारिश और निगम द्वारा पूरी तरह सफाई न किए जाने के चलते शहर की सीवरेज लाइनें जाम हो चुकी है, जिसके चलते सीवरेज का पानी सड़कों पर बह रहा है। हाल ही में खांडा फसा क्षेत्र के निवासियों ने इस समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, परंतु आश्वासन के बाद भी स्थिति में सुधार नजर नहीं आ रहा। फतेह सागर क्षेत्र के निवासी भी इसी तरह की समस्या से परेशान हैं। उनका कहना है
कई बार शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। यह स्थिति तब है जब निगम 1 अगस्त को अतिरिक्त संसाधन लगाकर सभी वार्डों में कचरे की और सीवरेज लाइनों की सफाई की घोषणा कर चुका है।